मैं अभी आया। बीनू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज अप्पा का जन्मदिन है और हमें उन्हें एक खास तोहफा देना है। क्या तुम लोग तोहफे के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो? मेरी तरफ से भी कुछ पैसे लिख लेना। नहीं बीनू, हम चाहते हैं कि तुम राका से कलरी के मुकाबले में हार जाओ। क्या? मगर क्यों? क्योंकि अप्पा ये देखकर बहुत खुश होंगे। तो राका से क्यों नहीं कहते कि मुझसे जीत कर दिखाए? हम जानते हैं कि राका तुमसे जीत नहीं सकता, इसीलिए तो तुम्हें हारने को कह रहे हैं। पर राका से? क्या तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते बीनू? पर वो गुरुजी। कभी कभी हार कर भी जीता जा सकता है। शायद गुरुजी की बात काम आ जाए। हमारे पास नहीं आना चाहता। हाँ, सब हमारा चेहरा देखते ही भाग जाते हैं। रो मत अम्मी, लो ये बेर खाओ, हमें जरूर कोई पेट मिल जाएगा। क्या था? मेरे बेर कहाँ गए? ये तो कोई जादुई जीव लगता है। शायद इसे और बेर चाहिए। लगता है इसे बेर बहुत ज्यादा पसंद है। उन्हीं, हमें हमारा पेट मिल गया। जब उस शाम को हम अपना ये पेट दिखाएंगे ना, तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा। अरे बीनू और श्याम तो इधर ही आ रहे हैं। चलो चल के उस श्याम को दिखाए अपना जादुई पेट। बीनू, श्याम, श्याम, बीनू, देखो हमें क्या मिला। क्यों श्याम, कैसा लगा हमारा नया पेट? सच में अम्मी, तुम्हारा पेट तो वाकई जबरदस्त है। अम्मी, ये तुम्हें कहाँ मिला? जंगल में। क्यों? ये कोई मामूली जानवर नहीं, जादुई जीव है। तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। पर क्यों? ये अपने घर से ज्यादा वक्त दूर रहने पर बेचैन हो जाते हैं और उत्पात मचाने लगते हैं। गुरुजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए होंगे? मीरा भी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ? मीना, ये पत्ते किस लिए लाई हो? याद नहीं, कल इच्छा पूर्ति त्योहार है, इसलिए ये पत्ते कल की तैयारी के लिए हैं। हाँ, ये क्या त्योहार है? कहा जाता है कि इस दिन सबसे पहले ऐसी चीज देखनी चाहिए जिसे तुम पाना चाहते हो। ऐसा करने से वो चीज हमें जल्दी मिल जाती है। क्या सच्ची? यानी अगर मैं सोचूं कि मुझे एक नया स्केटबोर्ड चाहिए तो क्या वो मुझे जल्दी मिल जाएगा? सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा, तुम्हें उस चीज की या तो ड्राइंग बनानी होगी या फिर मेरी तरह पत्तों से आकृति। मैंने तो सोच भी लिया है मुझे इस साल क्या बनाना है। वो मैं तो बस तो तय रहा, हम सब पत्तों से अपनी अपनी चीजें बनाएंगे। तो चल फिर, हम दोनों मिलकर ताड़ के पत्ते ले आते हैं। ये सही इलाका है, यहाँ ताड़ के पत्ते चुटकी बजाते ही मिल जाएंगे। अरे श्याम, ये पेड़ तो गुरु वीटा के आंगन में है।
इस पेड़ के पत्ते तोड़ना यानी पंगा लेना, सोच ले। कोई गड़बड़ नहीं होगी बीनू, तू रुक। अब क्या करेंगे? घबराओ मत, मैं इन पत्तों को। हाँ हाँ, चुटकी बजाते ही ले आओगे, ये तुम पहले भी 10 बार कह चुके हो, अब कुछ करके दिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे। ये क्या बना रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। और आखिर में पत्तों को इस तरह फोल्ड कीजिए। और ये किया आखिरी फोल्ड और हो गया। तुमसे ना हो पाएगा शाम, लगता है हमेशा की तरह मुझे ही मदद करनी पड़ेगी। नो थैंक्स, मैं गुरु पालन से मदद मांग लूंगा। पर गुरु पालन है कहाँ, सुबह से दिखाई नहीं दिए। मैंने उन्हें सुबह जंगल की तरफ जाते देखा। लगता है आज गुरुजी बहुत बिजी हैं। कौन है जो मुझे याद कर रहा है? अब्बा आ गए। गुरुजी आ गए। गुरुजी। लगता है कल के त्योहार की जमकर तैयारी हो रही है, बहुत अच्छे। और क्योंकि सब काम में बिजी थे तो किसी को शरारत करने का वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। गुरुजी, मैं इन पत्तों से स्केटबोर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो ठीक से बन ही नहीं रहा। लाओ इसे मुझे दो। देखते हैं इसके साथ क्या किया जा सकता है। पत्तों को कस के मोड़ो और फिर आपस में बांध दो। पत्तों से चीजें बनाना तो कोई अप्पा से सीखे, पूरे कलरीपुरम में इस काम में इनसे माहिर और कोई नहीं। हाँ? अरे वाह, हमारी भी मदद कीजिए ना। बच्चों, मुझे कल सुबह होने से पहले एक जरूरी काम खत्म करना है, मुझे जाना होगा, मगर तुम मेरे बताए तरीके को ध्यान में रख कर कोशिश करो, मुझे यकीन है तुम बना पाओगे। आखिर गुरुजी ने उन पत्तों का क्या किया होगा, मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। मुझे भी और मुझे भी। तो चलो जल्दी से चले। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखना चाहोगे मैंने उन पत्तों से क्या बनाया? अरे वाह, इतने सारे पंछी, कितना सुंदर नजारा है। इसका मतलब आप पंछियों को खुले आसमान में उड़ता देखना चाहते हो? सही समझे बीनू। तो